नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, क्या नाम है आपने? ना टीवी का वॉल्यूम हरियाणा। तेज कर रखा है, समय इतना नहीं होता है। आप अपना नाम बता दीजिए और सवाल करिए। मेरा नाम सतपाल है, मेरी वाइफ की थोड़ी तकलीफ है, पैर में तकलीफ है। मैंने कल भी फोन किया था आपके पास मैडम। हाँ हाँ, तो मैं आपका शो देख रहा हूँ, अगर कोई बात हो सकती है इसके हिसाब से करवा दीजिए, मेहरबानी आपकी आपकी। जी, मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बात, पूरी बात बताइए। कितनी आयु है आपकी पत्नी की, कब से उनकी दर्द है? आयु 60 है, 60 है जी। 6 महीने से एक पैर में दर्द है, पीछे से कमर में छूटता है, एक पैर में बुखार बहुत ज्यादा होता है, सुबह कम होता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सभी रोगियों का ठीक होना मुमकिन है अगर वो अपने घर में वेस्टर्न टॉयलेट लगवाएं। अगर नहीं हो तो लगवा लें, हो तो कोई बात नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये रोग बार बार होगा अगर वेस्टर्न टॉयलेट नहीं होगा। ठीक होगा फिर हो जाएगा, ठीक होगा फिर हो जाएगा, तो क्यों ना एक ऐसी बात बता दी जाए जिसकी वजह से बार बार ये रोग होता है। अच्छा देखिए, दो तरीके हैं इलाज के। एक तो नुस्खा आप खुद बना लें और खुद खाएं और खुद ठीक हो जाएं, एक दवा ले सकते हैं। घरेलू नुस्खे के तौर पर सबसे कामयाब जो रसायन है वो उसे कहते हैं गौंद सिया, यानी एक गोंद है उसको काला गोंद कहते हैं, इसे हम गोंद सिया कहते हैं। मुश्किल से भी मिलता है और नकली भी मिल जाता है, असली लेना ज़रूरी है। जायके में कड़वा होता है, देखने में ब्राउन होता है, लेकिन गोंद सिया कहते हैं, काला गोंद। अगर 100-200 ग्राम भी मिल जाए तो समझ लीजिए आपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है। असली लेना ज़रूरी है, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, नाश्ते और रात को खाने के बाद अगर आप पानी या बगैर चर्बी के दूध से, या जूस से भी दे सकते हैं, जिससे भी देंगे फ़ायदा होता है। फ़ायदा 5-6 दिन बाद भी हो सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। ये ओरिजिनल रॉ मटेरियल है, ये हासिल करने की कोशिश करें। नहीं मिले या नकली मिले तो मत लेना। आपको कैप्सूल टी केयर फिर ले सकते हैं, कैप्सूल टी केयर T4 Tiger, और सुबह शाम खिलाएं, और अगर 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने खिला कर ही दम लें, ताकि दोबारा से ये रोग वापस ना आ सके। हाँ जी, विमला देवी अगली कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, जी विमला जी, आवाज मिल पा रही है? सर आपकी मैडम आवाज ना बहुत कम आ रही है हम तक, थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए। ये तो विमल जी लग रहे हैं। हेलो हाँ जी, जी हाँ मैडम, हम लोग खड़गपुर से बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे थे मैडम, हमारा एक लड़का है, उसका एज है 23 साल। हाँ उसका मैडम प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत कम क्वांटिटी में खाता है, बहुत पतला दुबला है, ठीक अच्छा। है। तो हम लोग बहुत से डॉक्टर को दिखा चुके हैं, उसका लीवर टेस्ट करा चुके हैं, उसको सोनोग्राफी करा चुके हैं, उसको आयुर्वेदिक दवा हम लोग डॉक्टर को बोल के लेके खिलाए, लेकिन किसी तरह से उसको इम्प्रूव नहीं हो रहा। बहुत कम मात्रा में खाना खाता है 24 साल का लड़का, जिस वजह से उसका फिजिक बहुत कमजोर है। और 24 साल, मैं समझ गया विमल जी, बेफिक्र रहिए। एक तो अपने खाने में जो खाना घर का ही बच्चा खाता होगा, तो अपनी पत्नी से मेरी तरफ से निवेदन करें कि इतना लहसुन और इतनी अदरक डाला करें। अक्सर हमारे घर में महिलाएं इतनी सी अदरक उतना सा लहसुन डालते हैं। एक तो ये शुरू करें, ये हमारे पूरे पेट का सिस्टम ठीक करता है, लीवर का सिस्टम ठीक करता है, आंतों का हाजमा बनाता है, और पूरा बॉडी का ये रिपेयर करता है। ये इसे मामूली मत समझें, ये शुरू कर दें। और एक आता है गौंद मोरिंगा सफ़ेद, सफ़ेद गौंद मोरिंगा, इसमें लाल भी आता है, लाल नहीं लेना वो नकली होता है। सफ़ेद गौंद मोरिंगा लें, आधा ग्राम ये रॉ मटेरियल लेना है, और आधा ग्राम रोज़ाना दूध में मिलाकर पिला दिया करें रात को सोते समय, आपके बच्चे की तंदुरुस्ती ठीक होना मुमकिन है। नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो टीटू त्यागी बोल रहा हूँ, ग्राम कुम्हेड़ा से जी। जी त्यागी जी, बताइए आपका सवाल क्या है? जिला गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या सवाल? हमारे प्रधान जी के है शुगर, और शुगर की दवा चाहिए हमें। ठीक जी त्यागी जी, आपने फोन
फ़ोन किया तो हमारे पास भी एक त्यागी जी हैं, खुश हो गए होंगे। और प्रधान जी को देखिए दो तीन बातें भी बताइए और मैं दवा भी बताऊंगा। उनसे कहें कि कम से कम 5 बार खूब गर्म पानी पिया करें, जितना पी सकते हैं वो। ये बड़ा अच्छा इलाज है। और वैसे तो प्रधान है तो गांव के रस्मों रिवाज जानते होंगे। और 1 घंटा पैदल चलना, धूप में चलना बड़ा ज़रूरी है। अगर चल नहीं सकते तो सिर्फ धूप में बैठ ही जाएं, और एक साथ नहीं चल सकते तो धीरे धीरे 15-15 मिनट करके चलें। लेकिन ये शुगर के लिए अच्छा है। भोजन में कमी कर दें थोड़ी सी, जो खुराक खाते हैं उसकी आधी खाया करें। इससे भी शुगर बड़ी कंट्रोल होती है। जो दवा खाते हैं वो दवा खाते रहें। और एक सिरका आता है जैतून का सिरका, जैतून का सिरका लें और 3 चम्मच रात में पानी मिला के पिया करें। ज़रूरत पड़े तो दिन में भी एक बार ले सकते हैं। इससे शुगर स्थिर रहती है और आदमी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। जी, बात करते हैं अगले कॉलर से। MP से हैं प्रिंस गुप्ता, स्वागत है आपका। जी हेलो। हाँ जी बोलिए, सवाल करिए। जी मैम, आँख की प्रॉब्लम चश्मे लग रहे हैं कि पिन नंबर हट सकते हैं मैम? चश्मा लगा हुआ है जी। एज क्या है आपकी? 18 वर्ष है। जिन लोगों को भी चश्मा लगता है कम उम्र में, एक तो उम्र मेरी जैसी होती है, इसमें अक्सर चश्मा लगाना पड़ता है, वक्त के साथ आंखें कमज़ोर होती हैं। और एक आपकी उम्र है, यहाँ चश्मा नहीं लगना चाहिए। ऐसे लोगों को रोज़ाना एक गाजर का जूस पीना चाहिए, गौंद मोरिंगा सफ़ेद डालकर। गौंद मोरिंगा सफ़ेद एक गौंद है जो सफ़ेद किस्म का असली होता है। तो सफ़ेद गौंद मोरिंगा लें और 0.5 ग्राम इसमें मिला के रोज़ 1 गिलास जूस पिया करें, मुमकिन है आपको फ़ायदा हो जाए। जी, नेक्स्ट कॉलर लुधियाना से रामलाल जी, स्वागत है आपका। आदाब जीन साहब। जी आदाब। आदाब जनाब मालिक। जनाब मैं, मेरी उम्र 52 ईयर की है। तो जनाब मैं जब कुछ चीज़ लिखता हूँ ना जी, मेरे हाथ कांपने शुरू हो गए हैं हल्के थोड़े थोड़े से, और वीकनेस भी है मुझे। जी ठीक है। हाँ देखिए, अभी से अपना ख्याल करिए, नहीं तो आगे जाके ये बहुत ज़्यादा कांपने लगेंगे। मूंग की दाल से बनी हुई चीज़ें खाया करिए। मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल की सब्ज़ी, मूंग की दाल और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं मूंग की दाल की, वो खूब कसरत से खाया करें। इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। और माजून आर केयर सुबह शाम अगर 1-1 चम्मच लें तो 5-6 महीने खानी पड़ सकती है। इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल, तो देखिए आपको फ़ायदा हो जाएगा और आपकी जो तकलीफ़ है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको ये नुस्खे अपनाने होंगे। यूनानी दवा भी आपको बता दी गई है, जल्द से जल्द इन सभी का सेवन कर लीजिएगा। अगर कोई भी बात सुनने से आप चूक गए, लिखना भूल गए, तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 24 आवर्स कभी भी। दर्शकों, लाइव कार्यक्रम है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। फिर शिकायत बिल्कुल मत कीजिएगा कि हमारे हकीम साहब से बात करा दीजिए, बात नहीं हो पाती है। आप सीधा उनसे बात कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आप लोग देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप लोग उनसे लाइव जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं दर्शकों। और नुस्खे आप लोगों को इतने बेहतरीन यहाँ पे बताए जाएंगे जो आप खुद भी कहेंगे कि हमने तो कभी सुने ही नहीं थे। लेकिन रॉ मटेरियल नुस्खे इतने अच्छे, इतने लाजवाब के आपको सेहतमंद बना सकते हैं, रोग मुक्त आप लोगों को कर सकते हैं। तुरंत दर्शकों फोन उठाइए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो सत्यम जी, कहां से बात कर रहे हैं? मोहब्बत प्रोग्राम से, गुरा जिला और राज्य बिहार। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि हाँ? मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। हाइट नहीं बढ़ रही, आपकी एज क्या है? मेरी एज है लगभग 15 ईयर। अच्छे वक्त पर आपने फोन किया। बच्चे लोग की जब ग्रोथ की उम्र हो तभी फ़ोन करना चाहिए, उसी वक्त अपनी केयर करनी चाहिए।
और लड़के 20-22 साल तक भी लंबे हो सकते हैं और लड़कियां 18-20 साल तक ही लंबी हो सकती हैं। एक एक नुस्खा बहुत आसान, एक नारियल पानी रोज़ ख़रीदें और उसमें सफ़ेद गौंद मोरिंगा आधा ग्राम मिलाएं और रोज़ाना एक बार पी लिया करें, आपका कद आपकी इच्छा अनुसार होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? नमस्कार। नमस्कार मैम, मुझसे हकीम साहब से बात करना है। जी जी जी, बताइए, आधा वर्ड मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। सर मेरा नाम नैनी है, सर मैं अपनी मम्मी के लिए बात करना चाहती हूँ। बताइए। ओ, मेरी मम्मी को ना पूरा गैस, पूरे शरीर में ना गैस भर गया है, सिर में चढ़ रहा है उसका गैस, और सीने में दर्द होता है, और लीवर में बहुत, लीवर भी बहुत दर्द करता है, और उस शरीर में ना पूरा झिनझिनी भरा रहता है गैस का। क्या आयु है मम्मी की? 48। ठीक है। अच्छा बेटा, देखो, शरीर में पूरे में गैस कभी नहीं भर सकती। हमारा गैस का ताल्लुक मुंह से लेकर और पेट तक है, और लैट्रिन के रास्ते तक है, बस वहीं तक गैस जा सकती है। टांगों में नहीं जा सकती, कमर में नहीं जा सकती, सर में नहीं जा सकती, हाथ में नहीं जा सकती। तो दो रोग है उनको, एक तो दर्द का रोग है और एक गैस का। सबसे पहले गैस का रोग ठीक करें, उसके लिए एक घरेलू नुस्खा बड़ा आसान, ये जो आपके धनिया का दाना होता है किचन में, धनिया 200 ग्राम और सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, ये सब सूखा हुआ मिलता है, और मेथी 200 ग्राम, ये सब लें, इनको पाउडर बनाएं। और एक आता है नमक जैतून, जैतून का रसायन होता है, ये एक नमक जैसा ही होता है देखने में, लेकिन खाने में नमकीन नहीं होता। ये आप ख़रीद लें 200 ग्राम और इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खिलाएं, आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर वेस्ट बंगाल से राजकुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ, बोलते हमारे पत्नी का सर पैर में दर्द है। कब से दर्द है पैर में? जी जी जी। हाँ नमस्कार जी, आदाब आदाब। हाँ, तो मेरा पत्नी का पैर में दर्द है, थोड़ा चलने में थोड़ा दिक्कत होती है, चलती है तो ठीक है। कितनी आयु है उनकी और कब से तकलीफ है? 50 साल है, इसे साल भर से। तो देखिए, अभी साल भर हुआ है तो बहुत जल्दी ठीक होंगे, फिर भी अगर एक महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने दवा देना। और हमारे घरों में जिनके भी पैर में या दर्द, कमर में दर्द है, उनके घरों में वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला होना ज़रूरी है, नहीं है तो लगवा लीजिए। वैसे तो आप समझदार व्यक्ति हैं, ज़रूर होगा आपके घर में। अच्छा देखिए, एक गौंद जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, एक प्रोग्राम में 5-6 बार भी जिक्र आ जाता है, जिसको कहते हैं गौंद सियाह, काला गौंद या गौंद सियाह कहते हैं, एक काले रंग का यानी ब्राउन रंग का एक गौंद है जो जायके में बड़ा कड़वा है। अब इसका अगर असली रूप मिल जाए आपको, इसमें नकली बहुत आता है, तो असली अगर 100 ग्राम भी 200 ग्राम भी मिल गया तो आपकी पत्नी का दर्द नष्ट करने करे बगैर ख़त्म नहीं होगा 100 ग्राम भी। तो गौंद सियाह ले लीजिए और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम नाश्ते और खाने के बाद आप उन्हें दिया करें, और ये लेना असली है, और असली नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर सुबह शाम लें खाने के बाद। और फिर मैं कहता हूँ कि अगर एक महीने में भी दर्द चला जाए तो आप 3-4 महीने दवा खिलाना ताकि दोबारा ये लौट के ना आ सके। जी, बिहार से अगले कॉलर हैं, अमन कुमार, स्वागत है आपका। जी मैम, बताइए अमन। मेरे पापा का कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। कब से दर्द है ये कमर में? ये करीब एक महीना हो गया। एज क्या है पापा की? पापा का एज कितना एज है? 58। ठीक है। हाँ देखिए, इस उम्र में दर्द होता ही है, ये कोई रोग नहीं, बल्कि जब हम एक जिस्म की गाड़ी है हमारी, इसको जब हम 58 ईयर यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं रिपेयर का काम होता है। अक्सर हमारी कमर या घुटनों में दर्द होता है,
एक तो इलाज ये है कि आप जो दवा खा रहे हैं वही खाते रहिए, जीते रहिए। एक आयुर्वेदिक यानी यूनानी इलाज भी है जिसको खाकर हम मुद्दतों के लिए ठीक हो सकते हैं। तो समझ लीजिए, फिर मैं वो नुस्खा दोहराता हूँ जो अभी मैंने एक पेशेंट को दोहराया था, कि या तो आपको कैप्सूल टी केयर मिल जाए सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद, पानी या बगैर चर्बी के दूध से दे सकते हैं। 5 दिन बाद या 8 दिन बाद या 10 दिन बाद फ़ायदा शुरू करता है। इतना संयम रखना कि ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल ही लेना, पिसा पिसाया नहीं लेना। और नकली भी आता है, गौन स्याह की बात कर रहा हूँ मैं, गौन स्याह 100 ग्राम भी मिल गया तो आपके पिताजी का मर्ज को ठीक किए बगैर ख़त्म नहीं होता, ऐसा इसका रिकॉर्ड है। गौन स्याह काले रंग का होता है और ब्राउन रंग का होता है, और काला गौंद भी इसे कहते हैं। आधा आधा ग्राम से ज़्यादा खुराक नहीं दे सकते, काफ़ी तेज़ होता है, मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं।